अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहे हैं हंसते खाते मुस्कुराते रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी इजी रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। सोचा आपसे शेयर करूँ ये दाल की रेसिपी। तो हम बनाएंगे आज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बनाएंगे हम मलका मसूर की दाल। तो मलका मसूर की दाल मेरे पास है 300 ग्राम। 300 ग्राम दाल लेकर मैंने ना 10-15 मिनट के लिए मुझे मैंने भिगोई है। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और ये ज़रूर बनाएं और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने 10-15 मिनट भिगोने के बाद ना अच्छे से वॉश कर लिए। जब अच्छे से धो लिए, वॉश कर लेना, फिर हम ले लेंगे कुकर। कुकर में ना 2-3 गिलास पानी लेंगे, उसको हल्का सा हल्का गुनगुना पानी लेंगे। ठंडा पानी में हम दाल नहीं डालेंगे। तो गुनगुना पानी में हम ना टेस्ट के हिसाब से ना 2 चम्मच ना नमक ले लिया है मैंने। नमक का चम्मच ना मेरा छोटा है, तो बस 2 चम्मच नमक ले लिए हैं। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और थोड़ी सी ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी भी मैंने इसमें आधी चम्मच करीब ले ली है। और बस कितना इजी स्टेप है ना, आप इसे फॉलो ज़रूर करें और ट्राई ज़रूर करें, बना के देखें, खा के देखना, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखें, ये सारे मसाले डालने के बाद ना इसको हम कुकर को रख देंगे गैस पर। पहले हम दाल डाल लेते हैं। तो हमने दाल तो पहले से ही वॉश कर रखी है, तो सारी दाल ना हम इसमें कुकर में ऐड कर देंगे। और बस सारी दाल ऐड करने के बाद ना हम गैस पर रखेंगे। ये दाल ना किसी से भी खा सकते हैं हम। चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। और चावल से तो इतनी टेस्टी लगती है ना, इतनी टेस्टी लगती है, बस पूछे ही ना, बहुत ही अच्छी लगती है। आपने भी से बनाई होगी, सभी खाते हैं ये दाल। तो सब बहुत हेल्दी, बहुत ताकतवर होती है दाल। तो मैंने कुकर ना चूल्हे पर रख दिया है। और जब ये इसमें दाल के पानी में ना थोड़ा ना उबाल आ जाएगा ना, तभी मैं इसमें ना 3 सीटी लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आपको दाल ना गले तो ज़्यादा ले लें। तो मेरी दाल ना 3 सीटी में गल गई थी, तो मैं दाल जो है ना, दाल में ना मैं 3 सीटी लूँगी। तो बस इतनी टेस्टी बनेगी दाल, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बोलते बोलते ना मेरा सांस फूल गया है। तो बस, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हिसाब से। तो मौसम ना चाहूँगी कि सर्दी का मौसम किस किस को अच्छा लगता है और गर्मी का मौसम किस किस को अच्छा लगता है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उतनी ज़्यादा ना लोगों का ना दिल उछड़ जाता है गर्मी से। और जितना ज़्यादा सर्दी होती है ना, इतनी ज़्यादा लोगों का दिल जब भी उछड़ जाता है। तो ना तो हम लोग इंसान ना तो सर्दी को बर्दाश्त कर पाते हैं, ना ही गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ जाए तो वो भी नहीं हम लोगों से झेली जाती, और गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो वो भी नहीं झेली जाती। तो मौसम सर्दी का है इस वक्त, और गर्मी जा चुकी है। तो सर्दी का मौसम इस हिसाब से अच्छा है कि हम जो मन चाहे ना उसे खा सकते हैं। यानी कि फ्राई हुआ, गोश्त हुआ, तरह तरह के फल भी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के हुक्म से ना इस मौसम में ना इतने फल आते हैं ना, बहुत फल आता है। और सब्जी भी इतनी फ्रेश फ्रेश, फल भी इतने फ्रेश फ्रेश सर्दी के मौसम आ जाते हैं ना, जो हमारे हिसाब से होना चाहिए। गर्मी के मौसम में फल और सब्जी ताज़ी ताज़ी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह की कुदरत, गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी हम तरस जाते हैं गर्मी के मौसम में सब्जी खाने के लिए, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। तो गर्मी में हमें ये सब्जियां खाने को नहीं मिलती हैं जो हमें सर्दी में मिल जाती हैं, और जो सर्दी में हमें मिलती हैं वो गर्मी में नहीं मिलती। तो अल्लाह की कुदरत के आगे क्या कर सकते हैं, जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। तो अल्लाह से हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, इसी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चाहे उसमें हमारे दुख हो या सुख हो, या मौसम हो गर्मी का या सर्दी का या बरसात का। तो देखिए, जब बरसात होती है ना, मैंने खुद सुना है कि लोग बरसात हो जाती है गलियों में, कीचड़ वीचड़ हो जाती है, तो तंग आ जाते हैं बहुत जल्दी। हम लोग तंग आ जाते हैं बरसात से, कीचड़ से, तो बुरा भला कहते हैं कीचड़ को, बरसात को। तो हमें नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या हमारे लिए बेहतर रखा है, दुख में सुख में या गर्मी में बरसात में मौसम में, ये हम सब हमारे लिए ही बेहतर है। तो देखिए, इतनी सारी बातें करते करते ना मैंने सारे किचन के बर्तन वर्तन भी धो लिए हैं, और इधर मेरी 3 सीटी कुकर में ले ली हैं, और दाल भी अच्छे से गल चुकी है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया गली है, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से गल गई है। तो मैं थोड़ा सा ना इसे ना थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ।
तो ज्यादा मिर्च नहीं करें, ज्यादा बिल्कुल घोटे नहीं इसे, बिल्कुल ज्यादा नहीं घोटनी है, और हल्की सी घोटनी है। और उसमें ना जब हल्की हल्की सी घुट जाएगी ना, तो थोड़ा सा ना हमें इसमें पानी डाल देना है। तो पानी हमें ठंडा भी नहीं डालना है, थोड़ा गर्म पानी डालना है। तो बस थोड़ा सा मैंने घोट लिया, और चूल्हा को मैंने फिर से गैस को ऑन कर लिया है। और बस इतने में इतनी पतली इसलिए रखी, क्योंकि पकने के बाद ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। रात भर में ना खाना खाने के बाद ना, रात भर जब रखी रहेगी ना, तो सुबह तक नहीं गाढ़ी हो जाएगी। तो अब ये दाल पक चुकी है। जब इसमें दाल में ना अच्छे से गरम, जब दाल का पानी जब गरम हो जाएगा ना, तो इसमें उबाल आने लगेगा ना, तब तक हमें पकाना है। सिर्फ 3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा थिक नहीं करनी है, ना ज़्यादा पतली छोड़नी है। तो हमें रोटी से खाना है ना, इसलिए थोड़ी सी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है रोटी से। तो बस इसकी हम भगार की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की ना प्याज ली है, तो प्याज को मैं इस तरीके से काटूंगी, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करनी है, इस तरीके से प्याज को काटनी है। अच्छा तो देखें मेरे तरीके से कौन कौन इस तरीके से प्याज काटता है ये बताइए। इस तरीके से हमारे पहले अम्मी काटा करती थी, तो मैं उसी तरीके से ट्राई कर रही हूँ, अम्मी की तरीके से ऐसे अम्मी काटती थी। कभी कभी वैसे मैं भी ऐसे काट लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ना मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो फिर इसी तरीके से मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, 3-4 हरी मिर्च ये काट लेती हूँ। और चूल्हे का फ्लेम ना मैंने लो कर दिया है, क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है दाल में। अब इसमें मीडियम आंच पर पकने रख दूंगी, तो 1-2 मिनट तक के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 2-3 हरी मिर्च भी काट ली हैं, और ये 3 टमाटर हैं, छोटे छोटे से 3 टमाटर हैं। अच्छा टेस्ट आएगा इसमें दाल में। तो जब इसका हम तड़का लगाएंगे, आप वीडियो को फुल वॉच करना, मिस नहीं करना। तो मुझे ना दिल से आप सपोर्ट करें, और ना बस वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे वॉचिंग टाइम की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें ना मैंने डब्बे में ना हरा धनिया रख दिया था, तो देखिए हरा धनिया एकदम फ्रेश फ्रेश है। तो थोड़ा सा मैं हरा धनिया ले लेती हूँ, और हरा धनिया की भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इतनी सारी मैंने आपसे बातें की हैं मौसम के हिसाब से, और गर्म गर्म कपड़े भी सभी पहन रहे हैं घर में, छोटे बड़े सभी पहन रहे हैं। घर में तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है, जिनका टाइलों का घर होता है ना, उसमें तो ज़्यादा ही ठंड होती है, पत्थर है। पहले कच्ची मिट्टी होती थी, हम जब छोटे छोटे थे तो घर मिट्टी के बने होते थे, तो इतनी सर्दी का मालूम नहीं होता था। लेकिन अब घरों में पत्थर लग गए हैं, है ना, टाइलें लग गई हैं, तो ज़्यादा ठंड घर में महसूस होती है। तो मौसम के हिसाब से ना हमें अपने कपड़ों को भी चेंज करना पड़ता है। तो मैंने ना गर्म कपड़े ना निकाल लिए हैं, और जो गर्मी के कपड़े थे ना, वो सब मैंने रख दिए हैं। तो हल्के फुल्के कपड़े तो अब इस टाइम इस मौसम में पहने नहीं जाएंगे, आप जानते ही हैं। तो बस गर्मी के कपड़े ना मैंने बच्चों के, अपने बड़ों के, सबके रख दिए हैं, सर्दी के निकाल लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी सी ठंड हो गई है, और आते आते ना कुछ वक्त दिसंबर में या जनवरी में ना मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ने वाली है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारा क्या है, हम तो बस कह के रह जाते हैं। तो बस ये देखिए मैंने टमाटर भी काट रही हूँ, और हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज भी मैंने कटिंग कर ली है। तो बस यही आपसे इतनी सारी मैंने बातें की हैं। मैं आज की वीडियो में ना ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ, जैसे घर की सफाई सुथराई होती है, इसमें कुछ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि घर के मुझे इतने काम होते हैं ना, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि कैमरा भी मेरे हाथ में नहीं होता है। तो बस इसी से मैंने ना अब सोचा कि आपकी जो वीडियो में डलेगी ना, आज के बाद जो वीडियो डलेगी, तो इंशाल्लाह सब चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको। बस मैं आज की वीडियो में आपको आपसे ही बात करना चाहूंगी, कि मैं आपसे ही बात करूं। तो मैंने ना ये तड़के तड़का जो तैयार करा है ना, तड़के का जो इंग्रीडियंट्स है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। और दाल भी अच्छे से देखिए पक चुकी है, अब दाल को ना हम दूसरी साइड रख देंगे, और ना इसका तड़का तैयार कर लेते हैं दाल का। तो मैंने हाई फ्लेम करके ना लो फ्लेम कर दिया है, और बस ये दाल हमारी पक चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसका दूसरी साइड रख दिया है, और इस पर फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में हम डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो ये दाल का तड़का ना हम मस्टर्ड ऑयल में ही तैयार करेंगे, दूसरा कोई रिफाइंड वगैरह नहीं लेंगे, बस मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। तो थोड़ा ना फ्राई पैन को ना पहले हम वॉश कर लेते हैं, तो पानी हम डालकर अच्छे से वॉश कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी है ना इसमें वो ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो 1-1.5 चम्मच में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस 1-1.5 चम्मच लेंगे, काफ़ी है इतना। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, थोड़ा सा धुआं धुआं आने लगेगा, तो बस
अभी हम ना चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा हल्का सा लो कर देंगे। उस के साथ साथ ना हमने जो प्याज चॉप करी थी ना वो प्याज डाल देंगे और लाइट ब्राउन यानी कि थोड़ी सी तेज़ ब्राउन करेंगे प्याज को हम। जब प्याज का कलर चेंज होगा ना तभी हम इसमें जीरा डाल देंगे आधी चम्मच। तो जीरे को हमें जलाना नहीं है, बस लाइट ब्राउन ही रखना है हमें जीरे को। और बस इसी के साथ साथ ना हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट खुशबू के लिए। और इसको लहसुन अदरक को भी अच्छा सा हम खुशबू डालने के लिए, खुशबू लाने के लिए हम इसमें डालेंगे और चला लेंगे और भूनेंगे जैसे लहसुन अदरक के पेस्ट को चपन निकाल लेंगे। और बस इस थोड़ा सा हिला डुला लेते हैं। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा ना तभी इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हमने पहले भी डाली थी ना और इस टाइम भी हमें हल्दी थोड़ी सी डालनी है तो बाजार में ना अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं ले रही हूँ। अगर आपको लगे मिर्चें कम है तो आप लाल मिर्च पाउडर इस बघार में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आएगा। और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च चॉप करी भी डाल लेंगे, थोड़े से टमाटर डाल देंगे आपको मैंने दिखा दिया था, और अच्छे से खूब पका लेंगे इसे। और इसमें टमाटर के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ले लिया था, इसमें आप थोड़ा ही लेंगे। आप मिर्च ना अपने हिसाब से ले सकते हैं। और बस अच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे किचन में, यकीन करें आप। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस दाल को ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें और मुझे दिल से सपोर्ट करें। इतनी मेहनत करने के बाद मैं बहुत मेहनत करती हूँ, यकीन करें। और घर के सारे कामों के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, रेसिपी डालना, एडिटिंग करना और आप तक पहुँचाना, शेयर करना आपसे और आपसे बातें करना। देखें आपको मालूम है मेरी ना ज़्यादा से देर में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और बस खाली वक्त में ना मुझे अच्छी लगता है ये कुकिंग करना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखें अच्छे से तड़का तैयार हो चुका है, इसमें तड़के में थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और देखिए कितना खूबसूरत सा तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब तैयार हो चुका है हमारा तड़का, अब दाल रख देते हैं बड़ी गैस पर और इसमें दाल में डाल देंगे हम तड़का। ये खुशबूदार सा देखिए कितना खूबसूरत सा तड़का तैयार किया है हमने, और देखिए दाल का में निखार आ गया है दाल के अंदर, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है हमारी दाल तड़का डालते के साथ ही। देखिए मज़ेदार सी खुशबूदार, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करें, बनाएं ज़रूर और मुझे कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर दे दें कि आपको मेरी दाल कैसी लगी, और आप बनाएं ज़रूर, बनाने के बाद ही आप कमेंट करना। तो देखिए थोड़ा सा इसमें तड़का लगा रह गया था ना, इसमें प्याज व्याज वगैरह वगैरह, तो इसमें मैं थोड़ी सी दाल डाल कर ना दोबारा से इसमें ऐड कर दूँगी तो ज़ाया ना हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं दोबारा दाल डाल के ना ज़रूर करती हूँ, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो आपको मेरी दाल बनाने का तरीका कैसा लगा? मैंने इतनी सारी आपसे बातें की है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिमाग को ना बहुत सुकून मिल गया, बहुत तसल्ली मिल गई, जैसे कि मेरे पास मेरे सामने कोई बैठा और मुझसे इतनी सारी बातें कर ली ना। आप मेरी फैमिली की तरह हैं, जो मैं इतनी सारी आपसे बातें कर ली, इतने सारे काम कर लिए, इतना खाना भी बना लिया, और बस अब मैं आपको दिखा देती हूँ प्लेटिंग करके। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें। वॉचिंग टाइम की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, वॉच करें, और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी लेकर फिर हम आपके साथ हमेशा हाजिर होते रहेंगे। और बस इसी तरीके से हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, आप मुझे सपोर्ट करें। और हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है, देखिए खूबसूरत सी दाल, चटपटी दाल, टेस्टी दाल, आपके मुँह में पानी तो आ गया होगा। तो ऐसी रेसिपी लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।